हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो भाई सब। और इस टाइम हम खड़े हैं केदारनाथ मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मॉर्निंग की वीडियो दिखाऊंगा, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी मंदिर की जानकारी देता हूँ केदारनाथ मंदिर की। देखो मेरे सामने है मंदिर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये केदारनाथ मंदिर है। और केदारनाथ मंदिर के अंदर तो तुम्हें पता ही है शंकर भगवान की पूजा होती है। और ये देखो पानी पीने का, ये जो पानी आ रहा है ऊपर से, ये पानी भाई सीधा ऊपर मंदाकिनी नदी के अंदर से कुछ कर रखा है सिस्टम, वहीं से आ रहा है कि भाई मैं तुम्हें एक बात और बताया था, जब आप केदारनाथ का ही मंदिर आते हैं ना, तो मंदिर आने से पहले आपको एक इधर भैरव बाबा का मंदिर है, सबसे पहले वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाके परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि भैरव बाबा से बोलना पड़ता है कि हमें केदारनाथ के दर्शन करने हैं, हमें अनुमति है, तो वो फिर उसके बाद केदारनाथ बाबा के दर्शन करने होते हैं। तो ये जानकारी हर किसी बंदे को नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कभी आओ तो सबसे पहले उधर चले जाना। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो 2013 में आपदा वगैरह आई थी उसका जो एक पत्थर आके जिससे ये मंदिर बच गया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आओ मेरे साथ। ये पत्थर है जिसको, ये पत्थर है, ये पत्थर जो इधर आके रुका था, अब फिर उसको क्रेन के थ्रू उठा के उधर रख दिया है, उसका नाम रख दिया है भीमशिला। तो आप देख सकते हो भाइयों, ये है भीमशिला जो मैंने आपको बताया था जैसे। और ये भीमशिला मैं बता दूं आपको कहाँ से आई थी, ये भीमशिला आपको वो उधर घास फूस दिखती होगी वहाँ टूटा हुआ, कि उधर से खिसक के आई थी, क्योंकि जो बाढ़ आई थी वो उस तरफ से आई थी। और जो बाढ़ आई थी गांधी सरोवर एक ऊपर एक झील टाइप की है, वो उस तरफ बादल फटने की वजह से सारा पानी इधर से खिसकता हुआ आ गया था। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ज़रा वो जगह। जय भोलेनाथ। हाँ, मैं ये वीडियो बना रहा था, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जब भी केदारनाथ आना हो, कभी भी किसी के भी साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस और हमारे भाइयों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं पहले हमारे बड़े भाई से पूछता हूं कि क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर आपको केदारनाथ आना हो तो, बताओ भाई। जय भोलेनाथ। दोस्तों जब भी आप आएँ यहाँ पूरी श्रद्धा से आएँ, केवल मौज मस्ती के लिए इस जगह पर बिल्कुल ना आए। रूट आपको सारे पता हैं, चार धाम की यात्रा के थ्रू आपको सारा मैपिंग वगैरह आपको मिल जाती है, अपने कन्वेंट से भी आ सकते हैं, बट अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो गवर्नमेंट की बसेस काफ़ी कम संख्या में चल रही हैं, तो आप प्रेफर यही करेंगे कि अपने वाहन से आएँ। उसके बाद सोनप्रयाग से आप बेस कैंप है जहाँ से सारी यात्रा शुरू होती है, तो आप बेस कैंप पे रुकेंगे एंड देन मॉर्निंग में जितना अर्ली हो सके आप यात्रा आरंभ करें। यहाँ पे पाटा में आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, अदरवाइज पिट्ठू हैं, खच्चर हैं, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं, बट आप हमेशा कोशिश यही करें कि किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं स्वयं अपने पैरों से चल के ही जाएँ, क्योंकि अगर आप जो जितना भी सीनरी है, जो भी आनंद है, वो अपने स्वयं चल के जाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज उतना मज़ा नहीं है इसमें। नमस्कार भाई, बताएंगे हमारे यात्रा के दौरान आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी नहीं भूलनी है, जैसे कि फर्स्ट टाइम रैन यहाँ पे कभी भी हो जाती है, तो आपको रेनकोट और अम्ब्रेला, ठीक है, और उसमें आपको अपने गर्म कपड़े वो ज़रूर रखने हैं। इस बीच में आपको जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, दवाई वगैरह या कुछ गर्म पट्टी वगैरह, कुछ भी मतलब आपको दिक्कत हो उस चीज़ की, तो यात्रा के दौरान ये चीज़ आपको संभाल के लेकर आनी है। एक छोटा बैग आपको कैरी करके लाना है उस टाइम पे यात्रा के दौरान, जो बड़ा बैग आपका लगेज है वो आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। उसके यात्रा के दौरान आपको ये सब चीज़ें ज़रूर लानी है। नाश्ता टाइम आपको यहाँ पर करना हो तो नीचे आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको मतलब जब भी आप आते हो तो वहीं पर आपको नाश्ता मिल जाएगा, आलू पराठा मिलेगा आपको ज़्यादा यहाँ पर, मैगी मिलेगा और चाय मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ मिल नहीं सकता यहाँ पे। और आप सोचोगे कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, यही मिलेगा, और जो भी आइटम है आपको वो नीचे से आती है तो कोस्ट उसकी बढ़ जाती है, तो ये याद आपको रखनी है, तो यात्रा आपको अच्छे से बनाए रखनी है। अब हमारे जब भी आप चढ़ाई करते हैं
काफ़ी आराम आराम से चलें, ज़्यादा जल्दी आने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जितना तेज चलेंगे उतनी ज़्यादा आपको थकावट होगी और ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। तो अपना आनंद से धीरे धीरे आएँ। ऑफ सीज़न में आते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि रश काफ़ी कम होता है मंदिर पे, रूम्स आपको काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे और आपको दर्शन भी काफ़ी अच्छे से मिलेंगे। तो भाइयों, एक भाई हमारा और बचा है, हम उसको भी बुलाए लेते हैं। दीपक रावत जी आइए ज़रा सामने, ये प्रॉपर उत्तराखंड के ही हैं, तो इनको अच्छी नॉलेज है इस चीज़ों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, तो ये बताएंगे आपको। जय भोले हर महादेव। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं मतलब कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर अभी मैं हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अलग ही मज़ा है। भोलेनाथ के दर्शन हो गए और यहाँ के अलग ही बार नेचर, यहाँ का पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएँ, बर्फ़ है, बर्फ है, नज़ारे यहाँ के, और यहाँ से मैं जाने का मन नहीं कर रहा। तो आपसे, आप जब भी आओ तो सच्चे मन से आओ, श्रद्धा से आओ, भोलेनाथ का नाम लेके आओ। कभी यहाँ पर ये नहीं कि मस्ती मस्ती करने के लिए चक्कर आओ, श्रद्धा से आओ, बस इन्जॉय करो भोलेनाथ का नाम लेके, और घर से पराठे लेके जरूर आना, क्योंकि बिना पराठे के क्या हो जाएगी, पराठे की कोश ज़्यादा है। पराठे और अचार लेके जरूर आना। मैंने पराठे लेके आया था घर से, मम्मी के हाथ के पराठे आलू की सुबह से बनवाए थे उनसे, और हुए मतलब सफ़र ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर हम पराठे खा रहे हैं, पराठे यहाँ के, यहाँ के भी बढ़िया पराठे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैगी बहुत टेस्टी, यहाँ की मैगी टेस्टी है। और सर ने, हमारे सुंदर ने बताया था कि जब भी यहाँ पर आओ तो पैदल चल के आराम से यात्रा करते, मज़ा है। ये खच्चर बच्चर घोड़े में नहीं, ठीक है, जो कोई एजिड है उनको कोई दिक्कत है, ठीक है ना, तो जो मज़ा सफ़र पैदल चलने में वो कहीं नहीं है। और ज़रूर आना, बहुत खुशी होंगे आपको। दोस्तों, मैंने इन सबकी बात सुनी तो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगी वो एक लगी है कि इन सबका कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार इधर ज़रूर आना है, तो कोशिश यही करें कि आने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम आपको अब लेके चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी 5 मिनट पहले कि मैं भैरव बाबा के मंदिर में, केदारनाथ मंदिर आने से पहले भैरव बाबा के मंदिर में परमिशन लेनी पड़ती है, तो आज उसी मंदिर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और चलते हैं, आओ मेरे साथ चलो। हाँ, तो दोस्तों केदारनाथ में एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि आप जब केदारनाथ आओगे तो मेरे पीछे, केदारनाथ मंदिर के पीछे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसे बोलते हैं अमृत कुंड। और ये कुंड है, कहते हैं इसके अंदर कभी पानी खत्म नहीं होता है। ये देख सकते हैं अभी मतलब पानी है नहीं, मतलब कभी पानी खत्म नहीं होता है इसका। तो दोस्तों, अब चलते हैं डायरेक्ट भैरव बाबा मंदिर, ठीक है दोस्तों, ओके। एक किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा का मंदिर, तो चल रहे हैं, पूरी चढ़ाई है। मेरे पीछे देख सकते हैं भैरव बाबा का मंदिर है, ओह केदारनाथ मंदिर है, चल रहे हैं। ये हमारा पूरा केदारनाथ, दोस्तों आधा किलोमीटर तय कर लिया है हमने भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए। बस मैं मंदिर दिख चुका है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वही मंदिर है। महाकाल के भक्तों को मुसीबत में उन्हें पुकारना नहीं पड़ता, महाकाल के भक्तों को मुसीबत में उन्हें पुकारना नहीं पड़ता, वो खुद ही चले आते हैं। कभी सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार, कभी सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, वो बिना बताए ही हर दर्द समझ जाते हैं। और सब उन्हीं की कृपा है आज तक जो भी हुआ है, सब उन्हीं की कृपा है आज तक जो भी हुआ है।
कोई हंसते हुए चेहरे का राज पूछे ना तो कह देना बस भोलेनाथ की दुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और भाई हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी वीडियो जैसी लगे अच्छी बुरी कमेंट में जरूर बता देना। अच्छा भाई बाय कर दो, चलते हैं इस बार। जय भैरव बाबा की, जय भैरव बाबा की, जय शिव शंभो, हर महादेव। तो भाई हमारा अगली वीडियो जो आएगी वो शायद तुंगनाथ की आएगी, तो तुंगनाथ या बद्रीनाथ इन दोनों में से एक वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो को देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। चलो भाई, ओके बाय।